सुशील, वो जो दो ट्रेड्स हैं आपकी, सारेगामा और एनडीटीवी, उसमें कोई स्टॉप लॉस रखा है क्या आपने? क्योंकि वहां पर अभी थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में प्राइसिंग प्रेशर है दोनों स्टॉक्स में। देखिए, इस तरह के स्टॉक्स में स्टॉप लॉस से ज्यादा पोजीशन साइजिंग जरूरी है। आप एब्सोल्यूट रूपी टर्म्स के स्टॉप लॉस को अगर बना के काम करोगे, मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, तो ये स्टॉप लॉसेस इस तरह के स्टॉक्स में तो कभी लग जाएंगे। हालांकि इनके अंदर हम फुल ब्लोन तेजी पे तब आएंगे, जैसे आज आप मान लो कि ये 250 के ऊपर अगर बंद दे देता है सारे गामा, तो इसमें फुल ब्लोन तेजी पे आएंगे। आज के स्विंग हाई के ऊपर बंद दे देता है, फ्लैग पैटर्न बन रहा है, यहां से फाइव वेव पैटर्न बन चुका, मैं स्टॉक को बेचूंगा नहीं। इस पर अगर स्टॉप लॉस लगा के मैं काम करूंगा तो बार बार मेरा सौदा कटेगा। एनडीटीवी में आप फिर भी एक स्टॉप लॉस की बात कर सकते हो, एक वाइडर पैटर्न है, ये एबीसीडी ट्राइंगल, अभी ये येलो लाइन जो नीचे, आप इसको स्टॉप लॉस बनाओ, ये रुपये 2 रुपये नीचे सरक जाती है। तो असली स्टॉप लॉस बेस्ड ट्रेड कब आएगा? जब मोमेंटम आएगा स्टॉक में, इनको रिवर्सल होके, ये एनडीटीवी की चार्ट पे आप देखो, जब ये लाल लाइन के ऊपर चला जाएगा 230 के ऊपर, तो हमारी स्टाइल जो हो जाएगी वो स्टॉप लॉस बेस्ड हो जाएगी, और तब हम फुल ब्लोन फुल पोजीशन के साथ काम करेंगे। अभी अक्यूमुलेट जोन में हम मीठे मीठे इनको निगल रहे हैं थोड़ा थोड़ा।